आज तो लगता है विलन टिप्सन को नहीं छोड़ेगा। विलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। विलन ने टिप्सन का गला घोटना स्टार्ट कर दिया। गाइस आप लोग मेरे पीछे ये विलन देख रहे हो, ये भी मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैं इसके पास टिप्सन को नहीं लेके आया तो ये मेरे को मार डालेगा, और अगर मैं इसके पास टिप्सन को ले आया तो ये टिप्सन को भी मार डालेगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओए रोबिरो, अपनी फालतू की बकवास बंद कर। और मैंने जो तुझसे कहा टिप्सन को मेरे पास लेकर आ, आज मैं टिप्सन को मारूंगा। रोज तुझे मारता हूँ, आज मैं टिप्सन को मारूंगा। नहीं विलन, टिप्सन मेरा दोस्त है और उसको मैं तेरे पास क्यों लेके आऊंगा। क्या कहा तूने, तू टिप्सन को नहीं लाएगा तो फिर ये ले। ओहो, इस विलन ने तो मेरे ऊपर फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं इस विलन को हर बार मार देता हूँ, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में होकर आया है, तो इसके साथ लड़ना बेकार है, कभी ये मेरे को भी मार डाले। गाइस अभी ना मेरे पास एक आइडिया है, अपने टिप्सन बॉस को कुछ नहीं होगा, क्यों ना मैं इस विलन को एक डुप्लीकेट टिप्सन लाकर दे दूं। अक्सर आप लोगों ने अपने रोपिरो वाइस टाउन में ना एक सी शकल के बहुत सारे टिप्सन देखे होंगे, तो मैं उनमें से किसी एक को पकड़कर लाकर विलन को दे देता हूं। तो अभी तो मैं यहां से पहले खुद निकल लेता हूं, वरना ये विलन तो अभी मेरे को यहीं पर ही मार डालता। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को भी एकदम एंड तक देखना, ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो अब हम लोग ढूंढते हैं टिप्सन के जैसे दिखने वाले आदमी को, और उस आदमी को हम लोग विलन को दे देंगे, इससे अपना टिप्सन बॉस भी बच जाएगा। कैसा लगा आइडिया? तो अब हम लोग चलते हैं टिप्सन के हम सकल को ढूंढने के लिए। टिप्सन का डुप्लीकेट कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को? हाँ, ये बंदा कुछ टिप्सन बॉस के जैसा है, इससे बात करता हूँ। इसको थोड़े पैसों का लालच दे दूंगा, तब शायद ये मेरे साथ चलेगा। अरे भैया, क्या तुम मेरे साथ एक जगह पर चलोगे? मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। सॉरी ब्रो, मुझे घर पर बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। देख लो एक बार और सोच लो, तुम्हारे पास फ्री के 10,000 रुपए आ रहे हैं। साले, तूने मेरा यहाँ पर दिमाग सटका दिया, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये ले, जब मैंने तुझसे एक बार मना किया मुझे नहीं चाहिए, तू मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? ये ले। अरे सॉरी भैया सॉरी, अब नहीं कहूंगा मैं। लगता है गाइस मैंने यहाँ पर गलत आदमी से पंगा ले लिया, गलत आदमी के हाथों चढ़ गया मैं। अब नहीं छोड़ूंगा तेरे को मैं, जिसके साथ मैं एक बार पंगा ले लेता हूँ उसको मैं मार कर ही छोड़ता हूँ, अब तो तू नहीं बचेगा। ये ले। मैं इसके हाथों से बहुत देर से पिट रहा हूँ, इसने मेरी यहाँ पर हेल्थ भी बहुत ज्यादा कम कर दी है। बस मैंने इससे पूछा तो था, अब इसने मुझे गुस्सा दिलवा दिया। चल बेटा निकल यहाँ से, तू पहली फुर्सत में दिखाई मत देना मुझे यहाँ पर दोबारा। तू अब मैं यहाँ से खुद निकल लेता हूँ, वरना पुलिस आ जाएगी। यहाँ पर ये ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कार बहुत देर से खड़ी है, ये रोबोट के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको ड्राइविंग करके देखूँ, क्या पता मैं इसको ड्राइव कर पाऊँ। तो जैसी मैंने इसकी खिड़की खोली, और भाई साहब जिसका मुझे डर था वो हो गया। देखो ये रोबोट के अंदर बदल चुकी है, लेकिन ये भी बंदा आकर देखो इसको मार रहा है, कार को इसको मार रहा है, मुझे मार रहा है, अभी तक मुझे यही नहीं पता चला। ओहो इसी रोबोट को मार रहा है ये बंदा, देखो अभी आप लोग, ये बंदा रोबोट के साथ लड़ रहा है। लगता है रोबोट ने ना इस बंदे को भी मतलब कुछ कहा है, तभी ये बंदा उसको मार रहा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये मुसीबत यार मैंने जबरदस्ती की मोल ले ली है इस ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कार की, इसने उस बंदे को मार डाला। अभी मैं काम करता हूँ, सबसे पहले म्यूटेंट बनता हूँ। ये ले ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कार की बच्ची, अब तो तेरे को मेरे हाथों से कोई नहीं बचाएगा, तो अब लड़ता हूँ इसके साथ में। ये ले भाई, ऐसे नहीं मानेगी है, लगता है इसको अपनी सुपर पावर्स दिखानी पड़ेगी। तो ये ले ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कार की बच्ची, तैयार हो जा मेरी सुपर पावर्स खाने के लिए। और ये ख़त्म। तो ग्रीन ट्रांसफॉर्मर कार यहाँ पर मर चुकी है। चलो यार मैं कहाँ इनके चक्कर में पड़ गया था, मुझे पता है क्या करना है, टिप्सन की शक्ल के जैसे दिखने वाले आदमियों को ढूंढना है। तो कहाँ पर मिलेंगे मुझे, कहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर जाऊँ मैं, यहीं पर ही देखता हूँ, यहाँ पर शायद कोई मिल जाए। यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर तो होगा कोई। ओहो मिल चुके हैं भाई, देखो ये तो सेम टिप्सन बॉस की तरह है, लेकिन ये तो मेरे को क्यों मार रहे हैं भाई, क्या हुआ? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं भाई साहब। अरे यार मैं तो तुमसे बात करने वाला था, लेकिन मारो तो मत। लगता है भाई सारे ही बंदे रो फिर वाइस टाउन गेम के अंदर ना उल्टे दिमाग के हो गए, किसी और को पकड़ना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर तो इसने पुलिस को भी बुला लिया साथ में। चलो यार यहाँ से हम लोग कहीं और चलते हैं, किसी और को देखते हैं, शायद कोई और मिल जाए। चलो चलते हैं, लल्ला। अब पता नहीं कहाँ पर मिलेगा, मिल चुका है। देखो ये रहा एक और टिप्सन बॉस का हमशकल, जो कि शॉपिंग करके आ रहा है। हेलो टिप्सन बॉस के हमशकल, यार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, बस तुम्हें मेरे साथ एक जगह पर चलना है। चलो यार नीले पकौड़े तेरी ऐसी की तैसी, एक तो मेरा मूड पहले खराब था और तूने मुझे गुस्सा दिलवाया, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं नीले पकौड़े। ये तो भाई रो फिर वाइस टाउन के छोटे से छोटे बंदे भी सारे गैंगस्टर हो रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना ये दोनों तो मिलकर मुझे मार डालेंगे। इसने भी पुलिस बुला ली, अब मेरे पास बस एक ही चांस बचा है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ टिप्सन बॉस के पास। बस सारी बातें जाकर टिप्सन बॉस को ही बताता हूँ, बस यही एक इलाज है। अब मुझे नहीं पता कि टिप्सन बॉस क्या करेंगे, उसके पास लड़ने के लिए जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। अगर टिप्सन बॉस उससे लड़ने के लिए नहीं गए तो वो मुझे मारेगा फिर। तो मैं आ चुका हूँ टिप्सन बॉस के पास, अब मैं फटाफट से सारी बातें टिप्सन बॉस को बता देता हूँ, क्या पता भाई टिप्सन बॉस मान जाए। लेकिन ये पुलिस वाले क्यों आ रहे हैं भाई, बात तो बतानी नहीं दे रहे लोग, बस मार ही जा रहे हैं। तो मैं पहले इन दोनों को मारता हूँ, और ये दूसरा वाला भी गया। तो अब मैं अपने टिप्सन बॉस को राम के साथ बताता हूँ कि वो विलन क्या कह रहा था।
अरे टिप्सन बॉस यार तुम मेरी बात सुनो। हाँ रो फिर बता क्या हुआ। टिप्सन बॉस वो जो विलन था ना उसने तुम्हें चैलेंज किया है, अगर मैं तुम्हें उसके पास नहीं लेके गया ना तो वो मुझे मार डालेगा और वो विलन तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता है। बस इतनी सी बात, उसकी तो मैं एक मिनट में चटनी बना सकता हूँ। अच्छा ऐसा है क्या टिप्सन बॉस। अबे रो फिर बस तुम मुझे उसका पता बताओ, उसको तो मैं आज गोली से उड़ा दूंगा। कहाँ पर है विलन के बच्चे, आ रहा हूँ मैं, तैयार हो जा। अरे ये क्या हुआ, टिप्सन बॉस तो विलन के पास आकर सिगरेट पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि टिप्सन बॉस को कुछ पता ही नहीं है, विलन इनको मारने के लिए बोल रहा है और ये यहाँ पर टिप्सन बॉस सिगरेट पी रहे हैं। टिप्सन आ गया तू, तेरा बहुत दिन से इंतजार था मुझे, आज तेरे साथ में दो हाथ करना चाहता हूँ। आज तो तू गया टिप्सन। ओए विलन के बच्चे, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तुम्हें ऊपर गोली चला के दिखा, फिर मैं देख तेरी कैसे हड्डियां तोड़ता हूँ। विलन के बच्चे ये ले निकल, तू बहुत मुझे चैलेंज करता है ना, आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ कर ही रहूंगा। ये ले मार कर दिखा तू आज मुझे गोली से। ओए टिप्सन आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ लड़ कर ही रहूंगा और ये फाइट में जीत कर ही रहूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा मैं। अबे विलन के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे ऊपर फायरिंग करेगा तू, ये ले। और तू रो फिरो को भी धमकियां देता है कि तू मुझे मारेगा, तुझे आज मैं नहीं छोड़ूंगा, निकल यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी। आज तो जो मैं अपने रो फिरो वाइस टाउन से भगा कर ही रहूंगा, तूने बहुत बंदों को मारा है ना, हमारे रो फिरो वाइस टाउन के पुलिस वालों को भी मारा है, आज तुझसे मैं सारे बदले लेने वाला हूँ, ये ले निकल यहाँ से तू। अरे गाइस यहाँ पर देखो विलन और टिप्सन बॉस के बीच में कितनी खतरनाक फाइट चल रही है। टिप्सन बॉस ने विलन का कुत्ता बना दिया, विलन के ऊपर बैट ही बैट फिर रखा है और विलन जैसे ही टिप्सन के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है वैसे ही टिप्सन इसके ऊपर लात मार देता है। वाह भाई मुझे नहीं पता था कि टिप्सन इतना ज़्यादा खतरनाक है, मैं तो सच्ची में भाई टिप्सन को कभी भी मार देता था लेकिन अब नहीं मारूंगा, मुझे डर लगने लग गया भाई टिप्सन से। देखो जरा इसका कैसे कुत्ता बना रखा है, लाते लाते फिर रखी है विलन के ऊपर। विलन फिर से गोली चला रहा है और ये लो टिप्सन ने सिर फोड़ दिया इसका बल्ले से। मुझे तो यहाँ पर हंसी आ रही है गाइस टिप्सन की और विलन की लड़ाई देखकर, सच में मैंने कभी नहीं देखी टिप्सन की और विलन की लड़ाई, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, आप लोग यार वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी ना तो सच में आप लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों को टिप्सन की लड़ाई और विलन की लड़ाई देखने के लिए मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा जीतने वाला है, टिप्सन जीतेगा या फिर विलन जीतेगा। ओ भाई विलन ने उठाकर फेंक दिया टिप्सन को। हो ये क्या हो गया भाई, ओ भाई विलन ने टिप्सन का गला घोट दिया भाई, भाई ये क्या कर दिया। ओ नो नो गाइस जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि इन दोनों में से कौन सा जीतेगा, विलन जीतेगा या फिर टिप्सन। भाई भाई विलन तो टिप्सन का गला घोट रहा है, ये नहीं भाई ये तो टिप्सन, ओ ओ ओ लिट लिट कर गोली चला रहा है टिप्सन ने, अच्छा हुआ लात मार दी। अब टिप्सन इसके ऊपर बल्ला ही बल्ला फेरने वाला है तेरी ऐसी की तैसी। मारो मारो टिप्सन बॉस, मारो इसे, छोड़ना मत, ये मेरे ऊपर भी अटैक कर रहा था फायरिंग जब मैं तुमको नहीं लेकर आ रहा था। मारो इसको, मारो ऐसे ही बढ़िया करके मारो इसकी, बढ़िया करके धुलाई करो जिससे दोबारा गेम के अंदर ना आए। गाइस आज देखो आप लोग इसकी कितनी तगड़ी वाली धुलाई हो रही है। विलन के बच्चे आज तो तू गया, आज तो तेरे को कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों में से, तेरी छोटी छोटी सी गोलियों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा, हट यहाँ से निकल। ओ भाई भाई सच में यार टिप्सन बॉस ने ना विलन का भूस भर दिया, देखो जैसी विलन उठने की कोशिश करता है और टिप्सन बॉस इसका सिर फोड़ देते हैं। वाकई में यार बहुत खतरनाक चल रही है लड़ाई, देखना यह है कि इन दोनों में से जीतने कौन वाला है। ये लो भाई ये उठ गया विलन, लेकिन टिप्सन बॉस तो उठने नहीं दे रहा विलन को। ये लो गाइस टिप्सन बॉस ने विलन को मार डाला, कितने ज़्यादा खतरनाक होगा यार टिप्सन बॉस। वाह जल्दी से फटाफट से टिप्सन बॉस के लिए एक लाइक कर दो और कमेंट में जाके बताओ टिप्सन ओपी, जल्दी से लिख दो कमेंट में टिप्सन ओपी। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।